नमस्कार दोस्तों, उमास किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना मावा के गुजिया, जो बहुत ही आसानी से हम लोग बनाएंगे और इसमें हम लोग मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना मावा के गुजिया। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। और इसको शेयर करना मत भूलना प्लीज़। चलिए पहले हम डो तैयार कर लेते हैं, उसके बाद ही स्टफिंग बनाएंगे, क्योंकि डो को हमें कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ना है, क्योंकि सूजी फूलेगी इसी के लिए। तो चलिए पहले डो तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे एक कप के करीब मैदा लिया है, इसमें मैं देखिए दो बड़े चम्मच के करीब सूजी डालूँगी। ये बारीक वाली सूजी है, इसमें दो बड़े चम्मच के करीब तेल है और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालूंगी। आप लोग का मैदे की क्वांटिटी देख के नमक डालना। और इसको सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को पहले मिला लेंगे, फिर गुनगुना पानी से एक टाइट डो रेडी कर लेंगे। देखिए डो को हम ऐसे चेक करेंगे, अच्छी तरह से सारे चीज़ों को मिला लेना है और एक टाइट डो रेडी कर लेना है। देखिए डो तैयार हो चुका है, सूजी जब फूलेगी और भी टाइट हो जाएगा। अभी क्या करना, कोई भी गीला कपड़ा से हमें ये डो को ढक के आधा घंटे के लिए रख देना है, तब तक हम लोग स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक पैन रखा है स्टफिंग तैयार करने के लिए, इसमें मैं सूजी डाल दूंगी। आप लोग सूजी, नारियल, जो भी स्टफिंग बनाएंगे ये लोग आप लोगों की क्वांटिटी के हिसाब से लेना। यहाँ पे मैं हाफ कप के करीब सूजी लिया है, पहले इसको कुछ देर के लिए ड्राई रोस्ट कर लूँगी, फिर इसमें घी मिलाऊँगी। सूजी हल्का रोस्ट हो चुका है, अभी इसमें मैं एक चम्मच के करीब घी डालूँगी, बहुत ज़्यादा घी मैं नहीं डालूँगी। घी में इसको 2 से 3 मिनट फ्राई कर देंगे। सूजी अच्छी तरह से घी में भून चुका है, अभी इसमें मैं ग्रेटेड नारियल, ये ड्राई नारियल है, उसको डाल दूंगी। ये भी मेरे पास हाफ कप के करीब है, आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी घी में थोड़ा सा सूजी के साथ भून देंगे। इसमें अभी कुछ मैं ड्राई फ्रूट्स मिला दूंगी। देखिए यहाँ पे मैं कुछ आमंड को छोटे छोटे काट लिया है, कुछ काजू को भी छोटे छोटे काट लिया है, कुछ किशमिश को भी मैं ऐसे बीच में से काट लिया है। और इसमें थोड़ा सा मैं इलायची को कूट के डाल रही हूँ। सारे चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिला देंगे और इसके साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। क्या होता है, खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और इसको हम लोग स्टोर करके भी रख सकते हैं। 1 से 2 मिनट हम लोग इसको इस तरह से चलाते जाएंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। सारी चीज़ अच्छी तरह से भून चुका है, अभी मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। कुछ देर इसको ठंडा करने के लिए हम छोड़, देखिए ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। अभी इसमें मैं डालूंगी पिसा हुआ चीनी या भूरा, आप लोग की सूजी के क्वांटिटी के हिसाब से। यहाँ पे मैं मीठा मीठा अच्छा लगता है, 1 कप के करीब डाला है। और इसमें मैं डालूँगी इंग्रेडिएंट, सभी मैं इसमें मिलाऊँगी। ये है मिल्क पाउडर, क्योंकि हम लोग बिना मावा के बना रहे हैं तो इसलिए मिल्क पाउडर डालेंगे तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। डो काफ़ी देर रेस्ट कर चुका है, देखिए टाइट हो गया है सूजी से, और इसका छोटा छोटा पेड़ा निकाल लेंगे।
देखिए मैं छोटे छोटे पेड़ा निकाल लिया है, अभी इसको पूरी की जैसा बेल लेंगे। देखिए इसको पूरी की तरह बेल लेंगे। देखिए मैंने पूरी बेल लिया है, अभी इसको एक मोल्ड के अंदर रख देंगे। ऐसा मोल्ड तो आप लोगों के पास होगा ही। फिर इसमें देखिए इस स्टफिंग भरेंगे, जितना भरेंगे उतना अच्छा खाने में लगेगा। फिर थोड़ा पानी लगा के इसके साइड में हम लोग थोड़ा पानी लगा देंगे तो ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। फिर इसको बंद कर देंगे, जो एक्स्ट्रा है वो निकाल लेंगे ऐसे ऐसे करके। ये तैयार हो चुका है। हम लोगों को ध्यान रखना है ये प्रॉपर, नहीं तो अंदर से स्टफिंग बाहर निकल आ जाएगा। देखिए मैं और एक आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर आप लोगों के पास मोल्ड नहीं है तो क्या करना है, बीच में स्टफिंग भर के इसमें थोड़ा सा पानी लगा देंगे। फिर इसको ऐसे प्रेस करके आप लोग कुकिंग कटर से भी काट सकते हो या फोक के मदद से ऐसे प्रेस कर देना। देखिए ये भी बहुत आसान है। देखिए इसी तरह से हम सब बना लेंगे। जैसे मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है, तेल हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है क्योंकि इसको धीमी आंच पे हमें फ्राई करना है। एक एक करके मैं सारे भुजिया को इसमें डाल दूंगी और धीमी आंच पे इसको पकाऊंगी। ज़्यादा गरम तेल में डालेंगे तो ये जल्दी से गोल्डन हो जाएगा और वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगी, इसीलिए हम लोग इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे और हल्का गरम तेल पे ही डालेंगे। देखिए ये जैसे ही ये ऊपर आ जाएगा, जैसे ही तेल ज़्यादा गरम हो जाएगी, देखिए इसमें बबल्स आना शुरू हो गया है। और भी जगह खाली है, मैं और भी डाल दूँगी। देखिए सारे फूल के हल्का होके ऊपर आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, इसको ऑपोजिट में ऐसे पलट देना है। देखिए इतना अच्छा फूल के ऊपर आ चुका है। देखिए ये गोल्डन हो चुका है, पूरा क्रिस्पी भी हो चुकी है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। देख के आप लोगों को लग रहा है, देखिए पूरा क्रिस्पी हो गया है, निकाल लेते हैं। और बाकी जो है इसे हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पे।